हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड लाइब्रेरी। दिस इज शैलेश एंड स्वागत करता हूँ आपके इस नए वीडियो पर। तो पहला बात, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो लाइक पहला इंपॉर्टेंट बात की, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइक इस तरह के नए वीडियो हम लोग लाते रहते हैं और आप लोग नोटिफिकेशन आप लोग के पास आए और आप लोग आगे वीडियो को देख पाओ पूरा, ठीक है? तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो या तो लाइक आज मैं लेकर आ गया हूँ बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप एंड फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए। तो लाइक इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि लाइक कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज में कौन कौन से बैचेस अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उस अपॉर्चुनिटी के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो मैं सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लाइक वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, ठीक है? तो फॉरवर्ड वीडियो को स्टार्ट करते, तो आते पहले अपॉर्चुनिटी की तरफ जो आ रही है हैजिन की तरफ से। तो हैजिन ने निकाला है फिर से हमारा डेवऑप्स इंजीनियर वन का रोल है बेसिकली। तो ये बेसिकली हायर कर रहे हैं 2022 ग्रेजुएट्स के लिए, मेंशन कर दिया गया हायरिंग फॉर पासिंग आउट इन 2022। और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको 2 मंथ्स का ट्रेनिंग मिलेगा, मतलब ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा, फिर डेवऑप्स इंजीनियर वन का रोल मिल जाएगा आपको, ठीक है? कौन कौन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बीटेक, एमसीए, एमटेक, एमएससी, ओनली सीएससी इन अलाइंड बैचेस, 60% और 6 सीजीपीए से ओवरऑल होना चाहिए आपका मार्क्स वगैरह, और 2022 वाले ही होने चाहिए जो अप्लाई कर रहे हैं। डिजायर्ड स्किल होना चाहिए ऑपरेटिंग नॉलेज ऑफ लिनक्स और विंडोज ओएस, शुड हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम्स एंड नेटवर्क फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज इन वन और मोर स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, पाइथन, बैश, नॉलेज ऑफ प्रोटोकॉल्स, ट्रांस टेक्नोलॉजीज लाइक एचटीटीपी, एसएसएल, एसएसएच, एसएएमएल एक्सेट्रा, स्ट्रॉन्ग डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिंग स्किल्स, और ये सब भी आना चाहिए लाइक AWS, Azure और GCP, ये सब भी आना चाहिए, ठीक है? एंड गुड टू हैव स्किल्स होना चाहिए स्ट्रॉन्ग डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग स्किल एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिंग स्किल्स, ठीक है? छोटा सा फॉर्म है, या नाम, ईमेल, फोन नंबर ये सब मांग रहा है, और यहाँ पर आप मेंशन कर देना 2022 बैच के हो और फिर सबमिट कर देना, आपका बेसिकली सबमिशन हो जाएगा। तो ये है सिंपल, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर अप्लाई कर सकते हो। एज वी ऑल नो दैट द सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल इज द मोस्ट ट्रेंडिंग रोल अमंग द यंग ग्रेजुएट्स एंड इट्स हाईली रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ पे। नो मैटर एनीवन्स एजुकेशनल बैकग्राउंड, एनीबॉडी कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इफ दे हैव अ राइट सेट ऑफ स्किल्स, येट ओनली फ्यू ग्रेजुएट्स मैनेज टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर। व्हाई इज दैट? देयर आर टू मेजर रीजंस। नॉट ऑल जॉब सीकर गेट द proper guidance, not all job seeker get the right tech skills during their educational journey. Well, AccuJob will solve all the problems mentioned ever for you. It is founded by 4 IIT Delhi alumni. They will train you, either you can be a graduate or a final year student, for 6 months in full stack development, and you will get a guaranteed job in a software development role. And the best thing is that you're not going to pay a single rupee until unless you get your first salary, and that too you can get a minimum salary of around 5 lakhs per annum, and there is a 100% job guarantee, and we have seen that students have got highest salary of around 41 LPA and average salary is around 8.3 LPA, and they have 190 plus partnered company. I have also reviewed their mentors and instructors LinkedIn profile, that are from a top tech companies and a top tech colleges. That means you learn from the best who are already working in a software developer role. So the best part is that AccuJob has a minimum payback period of 12 months when compared with any other program. So what are you waiting for? You're going to learn from the best. I have listed the AccuJob website link in the description. Go and check it out. आ रहा है हम लोग सेकंड अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो आ रहा है डेलॉयट की तरफ से, जो है बेसिकली एनालिस्ट डेवलपर का रोल है। 0 से 1.5 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हो गया 2021 बैच अप्लाई कर सकते हैं एंड 2022 पास आउट जो बैच है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, 2021 एंड 2022 पास आउट बैच अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं इनका नीचे क्वालिफिकेशन एंड जो बेसिकली है, तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बीटेक वाले जो सर्किट ब्रांचेस से है, एमसीए, एमटेक, सीएसआईडी वाले विद 60% और 6.5 सीजीपीए एंड अबव थ्रू out without any running backlogs. फिर उनका क्या क्या requirements है, like excellent analytical skills and communication skills, written, verbal and presentation, ability to chart one's own career and build networks within the organization, ability to work the independently and as a part of a team with professionals at all levels, ability to prioritize tasks, work on the multiple assignments and raise the concerns question where appropriate, such as practical solutions and collaborate with the customer to implement the solutions. ठीक है, तो ये सब है आपका location होने वाला हैदराबाद। वर्क आवर्स होगा 11 AM से 8 PM तक, बट अभी आई थिंक वर्क फ्रॉम होम होगा तो लाइक फ्लेक्सिबल होगा वो वाला। तो यहाँ अप्लाई नाउ बटन दिख रहा है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
आते हैं नेक्स्ट आ रहा है पेयू की तरफ से, जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस हो गया 2021 एंड 2022 पास आउट बैच ही अप्लाई कर सकते हैं, 21 और 22 बैचेस अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नीचे क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो लाइक व्हाट दे आर लुकिंग फॉर समवन हु टेक्स ओनरशिप एंड बिलीव्स इन सीइंग थ्रू द टास्क टू इट्स कंप्लीशन डिस्पाइट फेसिंग एनी चैलेंज with someone who can work both independently and in collaboration with the team as and when the situation demands for it. Someone who is not averse to learn and growth and has open mind about input suggestions from any stakeholders. ठीक है, तो ये सब आपको है, तो अगर आप लाइक ये सब स्किल्स है आपके अंदर जाकर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो है आपका स्नैप की तरफ से। तो स्नैप ने निकाला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न, बट इसका लोकेशन आपका लंदन होने वाला है, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में आपका बेसिकली लोकेशन होने वाला है। तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 2022 ग्रेजुएट, 2023 पास आउट वाले स्टूडेंट और 2024 पास आउट वाले स्टूडेंट्स। तो 22, 23 और 24 वाले अप्लाई कर सकते हैं इस रोल के लिए। चलते हैं नीचे क्या क्या इनका क्वालिफिकेशन, तो बोल दिया है करेंटली परसुइंग अ बीएस बीए डिग्री और इक्विवेलेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड और इक्विवेलेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आते प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग सीएस फंडामेंटल्स, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समवन हु गेट्स एक्साइटेड बाय टफ टेक्निकल चैलेंजेस, समवन हु लव्स टू लर्न एंड पैशनेट अबाउट हेल्पिंग अदर्स, एक्सपीरियंस विद द मोबाइल एप्स और डेटाबेसेस, समवन हु कैन कोलैबोरेट एंड वर्क विद वेल विद अदर्स, अ पैशन फॉर स्नैपचैट एंड क्रिएटिविटी। तो अगर ये सब आपके अंदर क्वालिफिकेशन है तो जाकर अप्लाई कर सकते हो, लिंक यहां मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और यहां बटन दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो है आपका एनसीआर कॉर्पोरेशन की तरफ से आ रहा है। तो एनसीआर ने निकाला है सॉफ्टवेयर इंटर्न का रोल है। ठीक है, तो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2021 पास आउट वाले स्टूडेंट्स और 2022 पास आउट वाले बैचेस। ठीक है, तो यह मेंशन कर दिया, यहां पर नीचे जाओगे तो दिख जाएगा आपको 0 से 1 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपका, मतलब 2021 एंड 2022 वाले ही से अप्लाई कर सकते हैं। और बोल दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो जहां तक लग रहा है इसमें टेस्टिंग का रोल मिलने वाला है आपको। और क्या क्या रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हम लोग, नॉलेजेबल इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, रिलेवेंट और रिलेटेड एक्सपीरियंस इन द सॉफ्टवेयर और द फर्मवेयर टेस्टिंग, relevant or related experience in the software or firmware testing, experience in desired technology, ability to identify, debug clearly, articulate software defects, experience in GUI testing, backend testing and database testing, experience in the enterprise software testing, experience in the developing functional integration end-to-end scenario test cases। मतलब आपको सिर्फ टेस्टिंग का ही नॉलेज होना चाहिए, मतलब यहाँ बेसिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग का रोल मिलने वाला है। तो आपके अंदर अगर टेस्टिंग रोल के लिए जो जो क्वालिफिकेशन है वो अंदर है आपके, तो लाइक अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ, तो बेसिकली मैं ऊपर जाऊं तो ये आपका है एमसी किंस एंड कंपनी की तरफ से आ रहा है। बेसिकली ये नेक्स्ट जनरेशन वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम है, इसको जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां मेंशन कर दिया गया है टू बी कंसीडर्ड फॉर एनजीडब्ल्यूएल एशिया पैसिफिक, यू मस्ट बी करेंटली बेस्ड इन और हैव वेरी स्ट्रांग टाइज विद द रीजन, यू मस्ट आल्सो बी अ बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी और एमबीए स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग नो लेटर देन 2023, मतलब 2022 एंड 2023 ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 2023 के बाद वाले नहीं, मतलब 2023 एंड 2022 वाले अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, अ प्रोफेशनल विद अप टू 8 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो लेकिन ये भी मेंशन कर दिया है या तो ये होना चाहिए क्वालिफिकेशन या तो अ प्रोफेशनल विद अप टू 8 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, मतलब समझ लो 8 इयर्स मतलब बहुत बैचेस लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2018 हो गया, तो 8 इयर्स देख लो यहां से सब अप्लाई कर सकते हैं यहां पर जाकर। और बोला कि लास्ट इसका डेट है 9th मई, तो इसका लास्ट डेट भी दे दिया गया है क्या। सो या इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है, तो यहां दिख रहा होगा अप्लाई का लिंक है, यहां पर लास्ट डेट 9th मई है डेडलाइन, तो जाकर अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। तो या यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो या यही था आज की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो मैं लेकर आया आप लोगों के लिए। तो होपफुली लाइक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलते रहे और आप वीडियो को देख पाओ। ठीक है, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड लोगों के संग वीडियोस को। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।